वीडियो पूरा देखना क्योंकि बड़ी मुश्किल से मिली है ये कहानी। एक बेटे के बहुत सारे दोस्त थे जिसका उसे घमंड था और उसके पिता का सिर्फ एक ही दोस्त था लेकिन था सच्चा। एक दिन पिता ने अपने बेटे से कहा कि तेरे बहुत सारे दोस्त हैं, चलो उनमें से आज तेरे एक सच्चे दोस्त की परीक्षा लेते हैं। बेटा तैयार हो गया और वो अपने सबसे घनिष्ठ मित्र के पास अपने पापा को ले गया। रात के 12 बज रहे थे जब बेटे ने दरवाजा खटखटाया तो कोई आवाज नहीं आई। और ऐसे ही बहुत बार दरवाजा खटखटाने पर अंदर से उस लड़के ने अपनी माँ से कहा कि माँ कह दे कि मैं घर पर नहीं हूँ। ये सुनकर वो बेटा मायूस हो गया और फिर उसके पिता ने कहा कि तेरे दोस्त तो देख लिए, अब चल मेरा एक सच्चा दोस्त है, तुझे उससे मिलाता हूँ। फिर पिता उस बेटे को अपने सच्चे मित्र के पास ले गए। रात को 12 बजे जाके उसका दरवाजा खटखटाया और जैसे ही दरवाजा खटखटाया तब अंदर से आवाज आई कि रुक दोस्त मैं अभी आया। जब उसने दरवाजा खोला तो उसके एक हाथ में बंदूक थी और एक हाथ में नोटों की थैली। तब उस दोस्त ने पूछा कि इसकी क्या जरूरत थी। तब उसने कहा कि इतनी रात को मेरे दोस्त ने मुझे याद किया है तो जरूर वो किसी परेशानी में होगा, या तो उसे पैसों की कोई प्रॉब्लम हुई होगी या फिर उसका किसी के साथ कोई लफड़ा हो गया होगा। अगर तुम्हें पैसों की प्रॉब्लम है तो तुम ये पैसे ले जाओ मेरे दोस्त, और अगर तुम्हारा झगड़ा किसी के साथ हो गया हो तो चलो मैं खुद तुम्हारे साथ चल रहा हूँ। तब उस पिता की आंखें भर आई कि मित्र मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं, मैं तो बस अपने बेटे को मित्रता की परिभाषा समझा रहा था।